आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित नाभिकों के लिए अल्फा छह में उत्सर्जित अल्फा कणों के लिए क्यू का मान ज्ञात करिए तथा गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। और नाभिक दिए गए हैं रेडियम और रेनॉन के। ठीक है, तो देखिए अल्फा उत्सर्जन में होता क्या है, हम कह सकते हैं अल्फा छह में होता क्या है, अल्फा छह में एक अल्फा कण निकलता है और एक अल्फा कण किसके तुल्य होता है, एक अल्फा कण तुल्य होता है हीलियम नाभिक के। तो जब अल्फा कण निकलता है तो किसी नाभिक में होता क्या है कि परमाणु क्रमांक में दो की कमी तथा परमाणु भार में द्रव्यमान संख्या में चार की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है अल्फा छह में। तो हम बात करेंगे पहले रेडियम के लिए, तो निकालते हैं रेडियम के लिए अल्फा छह। तो 88 रेडियम 226। तो जैसे कहीं बताया मैंने कि अल्फा कण उत्सर्जन में क्या होगा, एक अल्फा कण निकलेगा मतलब कि एक हीलियम का नाभिक निकलेगा। ठीक है, और क्या होगा, और जो है द्रव्यमान संख्या में चार ही कमी और परमाणु संख्या में दो ही कमी आ जाएगी, मतलब कि अब जो भी यहाँ पे तत्व होगा उसका जो परमाणु क्रमांक वो कितना होगा, वो 86 होगा और द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, वो 224 होगी। और द्रव्यमान संख्या 224 और परमाणु संख्या 86, ये होती है रेनॉन की। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें रेडियम का जो अल्फा छह था, तो रेडियम के अल्फा छह से हमें क्या मिल गया, रेनॉन मिल गया। और साथ में क्या होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो हमें इस क्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि अल्फा छह में क्या होगा, द्रव्यमान में कमी आती है, या हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ द्रव्यमान क्षति होती है, और जो ये द्रव्यमान क्षति है यही ऊर्जा में परिवर्तित हो रही होगी। तुम क्या ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे द्रव्यमान क्षति। ठीक है, डेल्टा एम का मान ज्ञात करेंगे। डेल्टा एम का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बाएं पक्ष का द्रव्यमान माइनस के दाएं पक्ष का द्रव्यमान। तो बाएं पक्ष में कौन है, बाएं पक्ष में है रेडियम का द्रव्यमान। ठीक है, 88 रेडियम 226 द्रव्यमान माइनस के 86 रेनॉन 224 प्लस 2He4 मतलब द्रव्यमान। ठीक है, मतलब बाएं पक्ष का द्रव्यमान में से दाएं पक्ष का द्रव्यमान में घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, तो रेडियम का जो द्रव्यमान वो कितना है, रेडियम का द्रव्यमान है 226.02540 यू माइनस के रेनॉन का द्रव्यमान कितना है, ये है 222.01750 यू प्लस के हीलियम नाभिक द्रव्यमान कितना है, ये है 4.002603 यू। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पे मान निकल के आएगा, ये हो जाएगा, इसको पूरा हल करेंगे तो ये मान निकल के आएगा 0.005293 यू। ठीक है, तो ये होगा द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा का मान होता है क्यू बराबर डेल्टा एम गुड़े 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे यू। तो यहाँ पे मान रख देते हैं डेल्टा एम का मान कितना है, 0.005293 यू गुड़े 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे यू। तो यू से यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये मान मिलेगा 0.005293 गुड़े 931.5। और जब इसे हल करेंगे तो क्यू का मान निकल के आएगा 4.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये किसके लिए ऊर्जा हो गई, जब रेडियम का अल्फा छह होता है। अब हम ज्ञात करेंगे रेनॉन के लिए कि जब रेनॉन का अल्फा छह होता है। ठीक है, वी पार्ट, तो रेनॉन के लिए। ठीक है, तो जो हमारा रेनॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, रेनॉन का परमाणु क्रमांक है 86 और जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, जो द्रव्यमान संख्या का मान है वो है 222। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, अल्फा छह होगा, तो अभी देखा था कि अल्फा छह में क्या होता है, अल्फा छह में परमाणु क्रमांक में दो की कमी और परमाणु भार में चार की कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ से बनेगा ये तत्व बनेगा 84 जिसका परमाणु क्रमांक होगा और जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या, जिसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, ये होगा मान 218। ठीक है, और ये होता है पोलोनियम का। ठीक है, तो पोलोनियम की जो परमाणु संख्या है उसका मान होता है 84 प्लस क्या होगा, साथ में एक हीलियम नाभिक निकलेगा और कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, मान लेते हैं क्यू डैश ऊर्जा है। ठीक है, तो इसे हल कर लेते हैं। तो इस बार फिर से निकालना पड़ेगा द्रव्यमान क्षति, तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, बाएं पक्ष का द्रव्यमान, बाएं पक्ष में कौन है, रेनॉन है, माइनस दाएं पक्ष का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 84 पोलोनियम 218 प्लस ये द्रव्यमान रहेगा एम 2He4। ठीक है, तो ये मान प्रश्न में दिए हुए हैं। तो रेनॉन जो हमारा रेनॉन है इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान है 222.01137
यू माइनस के जो पोलोनियम है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 216.00189 यू, प्लस जो हमारा हीलियम नाभिक है इसका जो द्रव्यमान है वो है 4.002603 यू। तो इसे हल करेंगे तो ये मान निकल के आ जाएगा क्यू डैश का मान, सॉरी जो हमारी द्रव्यमान क्षति होगी इसका मान निकल के आएगा 0.006877 यू। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, द्रव्यमान क्षति होगी, डेल्टा एम का मान हो गया। अब हम निकाल लेंगे ऊर्जा यू। तो ऊर्जा क्या होती है, क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे यू गुड़े डेल्टा एम। तो ये मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे यू गुड़े 0.006877 यू। तो यू से यू कैंसिल हो गया, तो जो क्यू डैश का मान होगा तो क्यू डैश का मान निकल के आएगा 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये होगी क्या, तो ये क्या होगी, उत्सर्जित ऊर्जा होगी। ठीक है, तो अगर हम गतिज ऊर्जा देखें तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी, ई डैश के बराबर हो जाएगी पोलोनियम का द्रव्यमान प्लस अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, तो पोलोनियम का जो द्रव्यमान संख्या वो कितनी है, पोलोनियम द्रव्यमान संख्या है 218। ये हो जाएगी 218 प्लस के अल्फा कण की द्रव्यमान संख्या कितनी है, वो है 4, और गुड़े और हमारी गुड़े रहेगी ऊर्जा। ठीक है, तो गुड़े क्या हो जाएगी, जो हमारी उत्सर्जित ऊर्जा का मान कितना है, 6.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जब इसे हल करेंगे तो यहाँ जो ई डैश के का मान निकल के आएगा वो होगा 6.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस प्रकार अल्फा कण की उत्सर्जित ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा का मान हो जाएगा 6.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यही मेरे प्रश्न का उत्तर है। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया था, उत्सर्जित गतिज ऊर्जा का मान पूछा गया था, और दोनों ही अल्फा कण के 6 के लिए हमसे उत्सर्जित ऊर्जाओं का मान पूछा गया था। तो हमने दोनों के लिए उत्सर्जित ऊर्जा का मान निकाल लिया है और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।